टाइप का सांप यदि किसी को काट खाए तो किसी झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े और ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जान चली जाएगी और सीधे हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल में ही इसका एंटी वेनम है जिससे आपकी जान बचेगी। यदि झाड़ फूक में आपका समय बर्बाद करेंगे तो आपकी जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मंत्र तंत्र या झाड़ फूक से इस सांप का जहर नहीं उतरता है। यहाँ कुआं में यहाँ पे एक इसमें बताया गया है और इसमें से घी निकाल रहा था एक व्यक्ति, जिसको उसने हाथ में बाइट भी कर लिया है। अभी हम देखते हैं और उसको रेस्क्यू करते हैं, और जो जिसको स्नेक बाइट हुआ है उसको सीधे हॉस्पिटल एंटी वेनम के लिए ठिकरी में पहुंचा दिया गया है। वहां उसका उपचार होगा और यहां पे हम इस सांप को रेस्क्यू करते हैं। वहीं की बाजू देख लेंगे। काफी मेहनत कराई इसने और हमने इतना पूरा खोद लिया है और यहाँ पे सांप दिखाई भी दे गया है। स्पिटिकल कोबरा है जिसने एक मजदूर को हाथ में काट भी खाया है। अभी पानी भरा है, वो धीरे से निकलेगा, वैसे ही हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे और फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। पानी थोड़ा सा और छोड़ो ना, पानी जाइए अंदर जाइए, मोटर चल रही है, हां चल रही, पानी अंदर दे रहे हो भाई, फॉरेस्ट वाला कहीं करे अंदर नहीं जा रहे पानी, अरे भाई पानी बंद छे, आओ सब बंद करिए, पानी भी तो नहीं निकलता अंदर, क्यों आए बंद छे बाल, हां बाल बंद करो, मोटर नीचे नहीं निकल पानी भी नहीं तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा खड़ा हुई क्यों देख रहा तो देखिए ये जो छेद में हमने जिसे पानी डाला था तो पीछे से भी पानी निकलने लग गया है। अचानक पीछे एक और छेद है इस सीढ़ी के पीछे, वहाँ पे भी पानी आने लग गया है। ये मतलब इस छेद का मुंह उधर भी है और अभी हम उस छेद को देखते हैं हटा के कितना बड़ा है, क्योंकि सांप उधर से इधर नहीं निकल पाए। इसके लिए अभी हम ये कोठी जो है इसको हटा रहे हैं अनाज की, इसके नीचे एक छेद है। अब यहाँ पर हम पाइप डालेंगे ताकि सांप उधर, मुँह छोटा है तो उधर से पानी डालेंगे तो सांप इस बड़े छेद से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही सांप बाहर आता है हम उसे रेस्क्यू करते हैं। और मेरा वीडियो यदि अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको ऐसे ही सांपों के बारे में नई नई जानकारियाँ और नए नए रेस्क्यू देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी हम उस छेद को खोल रहे हैं और उसमें पाइप डाल रहे हैं, थोड़ा सा छेद छोटा था उसको बड़ा कर रहे हैं। वहाँ पाइप डाल दिया गया है।
और अब पानी इसमें चालू करते हैं तो सांप इस बड़े छेद से बाहर आएगा और हम उसे रेस्क्यू करते हैं। अभी सांप का साइज देखा नहीं है कितना बड़ा है, बस केवल थोड़ा सा मुंह दिखाई दिया था। तो देखते रहिए वीडियो में कितना बड़ा सांप है। और निकल आया ये सांप और अब इसे हमने रेस्क्यू भी कर लिया है। को हमने रेस्क्यू कर लिया है। ये इसका जहर भी इसने थैली के ऊपर छोड़ा है, देख सकते हैं आप, ये जहर है, ये न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। मेरे ऊपर ये न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर आता है और इस टाइप का सांप यदि किसी को काट खाए तो किसी झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े और ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जान चली जाएगी और सीधे हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल में ही इसका एंटी वेनम है जिससे आपकी जान बचेगी। यदि झाड़ फूक में आपका समय बर्बाद करेंगे तो आपकी जान से आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मंत्र तंत्र या झाड़ फूक से इस सांप का जहर नहीं उतरता है। काफी जहरीला होता है ये नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है और सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है और दिल की जो धड़कन होती है उसको बंद कर देता है। ये कुआं में कैलाश पाटीदार जी के यहाँ पे ये स्नेक रेस्क्यू किया है, स्पिटिकल कोबरा है। और इस सांप ने एक मजदूर को भी बाइट कर लिया था, वो अनाज निकालने गया था और वहाँ पे बाइट कर लिया, उसे सही समय पे हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया, वहाँ पे एंटी एनम भी दे दिया है और अभी बड़वानी उसको रेफर कर दिया है।
और अभी उसकी तबीयत वगैरह सब ठीक है, उसको वहाँ पे सही उपचार मिल रहा है, उसका इलाज चल रहा है और वो भी स्वस्थ है। और इस सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया और इसको अभी हम फॉरेस्ट में रिलीज करने आए हैं। तो अभी हम इसे फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। मुंह उधर ही रखना। देखिए ये स्पिरिकल कोबरा नीलस कपड़ा फेंक दे। Okay.